पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत। आनन फानन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद भवन बदले बदले से नजर आते हैं मेरे सरकार के सुर। पूरे देश की निगाहें पांच राज्यों के चुनाव परिणाम पर है। परिणाम के जो है रुझानात आ रहे हैं, रुझानात में ये पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस और दीगर अलायंस जो दूसरी जो पार्टियां उनकी सरकारें बनने की वहाँ पर संभावना पूरी तरह से हो चुकी है। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पांच राज्यों में गुंडों बदमाशों और फिरका परस्तों की सरकार जा रही है, वहीं आम जनता की सरकार दोबारा से आ रही है। नेशनल मीडिया अपना वही राग अलाप रहा है कि कांग्रेस के को सपोर्ट नहीं बल्कि वहाँ पर शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के खिलाफ ये वोटिंग हुई है। मोदी का यहाँ कहीं नाम और निशान नहीं है। अगर जीत होती तो पूरा श्रेय नेशनल मीडिया मोदी को देता, मोदी सरकार को देता, लेकिन यहाँ पर स्टेट की हार को जो है रियासतों की हार को वहाँ के बीजेपी लीडरान पर थोप दिया गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 2014 में जो मरकजी इलेक्शन हुए थे वहाँ पर वोट जो है वो बीजेपी के वोट नहीं थे बल्कि कांग्रेस की कुछ नीतियों के खिलाफ थे, महंगाई के खिलाफ थे, और जनता ने कांग्रेस को वोट न देते हुए परिवर्तन के लिए देश में बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी समझ बैठी कि सारे वोट हमारे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो है कांग्रेस के खिलाफ कुछ वोट गए थे, आज वही वोट कांग्रेस की झोली में दोबारा आ गया इस उम्मीद के साथ में कि यहाँ पर कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी। और जो उम्मीदें थी बीजेपी सरकार से या स्टेट की बीजेपी पार्टियों से, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो सरकारें बनी थी इनसे जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। लोग परेशान हैं जीएसटी से, नोटबंदी से जो नुकसान हुए हैं, और राज्यों में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का जो सियासी रोल रहा है उससे जो है लोग बहुत परेशान हो चुके थे। और एक महंगाई फिर दोबारा यहाँ पर बड़ा फैक्टर है और लोगों के जो है कारोबार ठप हो गए। ये सारी चीज़ें देखते हुए दोबारा देश में परिवर्तन आ रहा है। अब शायद लगता है कि जनता के अच्छे दिन आने की उम्मीद है इन पांच रियासतों में, और इन पांच रियासतों के इलेक्शन का जो असर जो है वो इंतखाबात का असर जो है 2019 में पांच रियासतों से इन गुंडों बदमाशों के हाथ से कब्जा निकल चुका है और सरकार जो है जनता की बनने जा रही है। आइए देखते हैं ताज़ा रिपोर्ट क्या है, जो रोजाना आ रहे हैं उसमें आज देखते हैं क्या क्या खबर है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से बीजेपी के खाते में 103 सीटें गई हैं, कांग्रेस को 112 मिली है और अन्य को 15 सीटें मिली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बुरा हाल है, कांग्रेस 59 बीजेपी 24 और अन्य 7। वहीं तेलंगाना में टीआरएस ने बड़ी जीत हासिल की है, 93 सीटें जो टीआरएस को, कांग्रेस को 17 सीटें, बीजेपी को 2, अन्य में 7 है। राजस्थान में जो है लड़ाई जो है बहुत करीबी रही, जिस तरह से कांग्रेस ने लेकिन वहां पर अपना प्रथम लहराया है, 97 सीटें कांग्रेस को, बीजेपी को 85 और अन्य 17 को। अब यहाँ ये देखिए कि राजस्थान को लेके बीजेपी के लीडरान बड़ी बेशर्मी और का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग कह रहे थे कि राजस्थान में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे साहब, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत जा रही है, ये गम मनाइए। वहाँ पर कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिली है, कांग्रेस ने दोबारा वहाँ पर अपना प्रथम लहराया है, कांग्रेस को 97 बीजेपी को 85 और अन्य 17। ये रुझानात आ रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है और यकीनन देश बदल रहा है।